हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मिशन एमपीपीएससी 2019 एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रेजेंटेड बाय जस्ट लर्न। बिल्कुल दोस्तों, आज फिर से हम मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और ये जो टॉपिक है वो भी बाकी जो आपको टॉपिक कराए गए हैं उनसे कहीं ज़्यादा ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट आपके लिए रखता है, जो कि आपके जो एग्ज़ाम चल रहे हैं या एग्ज़ाम जो होने वाले हैं या जिनकी वैकेंसी आने वाली है, तो उनको अगर नज़र में रखा जाए तो ये सभी टॉपिक्स जो मैंने करा दिए या जो आज लेकर आया हुआ हूँ वो आपके एग्ज़ाम के नज़र से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश की बोलियाँ, लोक गायन, लोकगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य। तो इन सब टॉपिक से आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसे इस पर MCQ बन सकते हैं आपके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक की और देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख शिल्पकला एवं उनका क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये बता दें, शिल्पकला मतलब आपके हाथों द्वारा या आपके हाथ से बनी हुई चीज़ें, जैसे कि पत्थरों पर नक्काशी करना या साड़ी या किसी प्रकार की जो वस्त्र होते हैं उन पर एम्ब्रॉयडरी करना, ये सब चीज़ें शिल्पकला में आती हैं। या और इससे भी ज़्यादा आप जैसे कि हाथ से कंघी बनाना, हाथ से डेकोरेशन करने वाली चीज़ों को तैयार करना, तो ये सब चीज़ें जो आपकी आती हैं वो सब शिल्पकला के क्षेत्र के या शिल्पकला के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो शिल्पकला के क्षेत्र हैं या जो जगह शिल्पकला के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कंघी शिल्प। ठीक है, तो आप सब जानते होंगे कंघी जो हम सब करते हैं, तो कंघी शिल्प तो बंजारा जनजाति, आपका प्रश्न यहाँ पर से बनेगा कि कंघी जो कला है, कंघी बनाने की जो कला है वो किस जनजाति के द्वारा विकसित की गई, तो बंजारा जनजाति के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर छिपा शिल्प, आप सब जानते होंगे, सुना भी होगा, तो इस पर जो प्रश्न बन सकता है वो इस तरह, ध्यान से सुनिएगा। छिपा शिल्प किस चीज़ के लिए या किस पर आकृत बनाने वाली एक कला है या शिल्पकला का प्रकार है, तो कपड़ों पर। छिपा शिल्प कपड़ों पर बनाई जाने वाली एक आकृति है या कला है जो कपड़ों पर बनाई जाती है। इसे जो पूरा नाम जो इसका है उसे बोलते हैं भैरुगढ़ छिपा शिल्प, उज्जैन के नाम से भी प्रसिद्ध है। मतलब जो भैरुगढ़ छिपा शिल्प है वो उज्जैन में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और वहाँ ही बनाई जाती है। वहाँ जो भील जनजाति पाई जाती है वो भील जनजातियों का सबसे प्रमुख कार्य बोल सकते हैं उन सब इस जनजाति का। तो जो आपका प्रश्न बनेगा यही कि भैरवगढ़ जो शिल्प कला छिपा शिल्प है वो किस प्रदेश के किस क्षेत्र की है, तो उज्जैन क्षेत्र की है, ध्यान रखिएगा। और किस पर बनाई जाने वाली एम्ब्रॉयडरी है या आकृति है, तो कपड़ों पर बनाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। फिर प्रस्तर शिल्प, तो प्रस्तर शिल्प ये कहाँ मध्य प्रदेश और रतलाम वाले क्षेत्र में आपके पाई जाएगी। और प्रस्तर शिल्प से मतलब हुआ कि पत्थरों पर। ठीक है, प्रस्तर मतलब पत्थरों से जो मूर्तियाँ एवं सौंदर्यात्मक मूर्तियाँ एवं सौंदर्यात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। तो प्रस्तर शिल्प किस क्षेत्र में, मंदसौर एवं रतलाम वाले क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। और प्रस्तर शिल्प किससे मतलब पत्थरों से मूर्तियाँ सौंदर्यात्मक वस्तुओं का निर्माण करना, मतलब जो प्रस्तर शिल्प हुए वो पत्थरों से बनी हुई चीज़ों के लिए जाना जाता है। ठीक है, और महेश्वर साड़ी, आपको पता है महेश्वर खरगोन, आप सब जानते हैं महेश्वर की साड़ी, आपने देखा भी होगा या आपके यहाँ होगी भी, हो भी सकती है। तो महेश्वर साड़ी खरगोन महेश्वर के लिए प्रसिद्ध है, जानी जाती है। ठीक है, चंदेरी की साड़ी आप सब जानते हैं, इसके बारे में भी अशोकनगर के अंतर्गत आता है चंदेरी जो क्षेत्र है। और आपको अभी पता होगा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो चंदेरी की साड़ियां हैं उसे पेटेंट करा लिया गया है। पेटेंट का मतलब कि अब जो चंदेरी की साड़ी सिर्फ चंदेरी में ही बनेगी और किसी भी राज्य के द्वारा यह बनाया नहीं जा सकता। पेटेंट का मतलब ये होता है कि पेटेंट से मतलब ये हुआ कि उस क्षेत्र विशेष में वह चीज सिर्फ बनेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख शिल्पकला एवं उनका क्षेत्र हुए। तो आपको बस ये जो जो चीज़ें आपको स्क्रीन दिखाई देनी है बस इतना कर लीजिए, दैट इज सफिशिएंट टू यू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो प्रमुख बोली जाने वाली बोलियाँ हैं। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की बोली जाने वाली बोलियों पर भी मध्य प्रदेश PSC में प्रश्न बन चुका है। ठीक है, तो प्रश्न ऐसा आ सकता है आपको में कि कौन सा प्रश्न, कौन सा
या कौन सी बोली हमारे प्रदेश में बोली जाती है या नहीं बोली जाती, ठीक है? तो बस एक समान डिस्कस कर लेते हैं, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये बोली कहाँ बोली जाती है। तो सबसे पहले बुंदेलखंडी, बुंदेल क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में जैसे छतरपुर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, पन्ना, तो इन सब क्षेत्रों में बुंदेलखंडी बोली जाती है, एक ही भाषा हुई। दूसरा आपका निमाड़ी हुई, निमाड़ी मतलब आपका हो गया खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये सब क्षेत्र जो हुए ये सब निमाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बैतूल आपका हो गया, बैतूल का कुछ भाग, तो निमाड़ी क्षेत्र में निमाड़ी भाषा बोली जाती है। बघेलखंडी, तो बघेलखंडी में आपका रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, ये सब बघेलखंड क्षेत्र में आते हैं, तो बघेलखंडी इन क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट है कौन सा, मालवी, मालवी भाषा मालवा क्षेत्र में आता है, भोपाल, उज्जैन, सीहोर, होशंगाबाद, इन सब क्षेत्रों में मालवी भाषा बोली जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपकी एक कौन सी हो गई, ब्रज भाषा, तो आपको पता होना चाहिए ब्रज भाषा जो है वो ऊपर वाले क्षेत्र में जो कि जहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, यूपी वगैरह लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश वगैरह लगा हुआ है, मतलब भिंड, मुरैना, शेपुर, इधर ये भाषा बोली जाती है ब्रज भाषा, ठीक है। फिर कोरकू, अब डेफिनेटली जहाँ कोरकू जनजाति पाई जाएगी वहीं ये भाषा बोली जाएगी, तो आपका बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन, इन सब क्षेत्रों में जो जनजाति पाई जाती है कोरकू, वहाँ कोरकू भाषा भी उनकी अलग एक बोली है, ठीक है। तो कोरकू भाषा आपके इस क्षेत्र में बोली जाती है। फिर गोंडी, तो गोंड जनजाति द्वारा जो बोली जाती है, आपको पता होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति पाई जाती है, मध्य प्रदेश के कई सारे क्षेत्र जो छिंदवाड़ा हो गए, आपके सिवनी हो गए, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, तो इन सब क्षेत्रों में आपकी गोंडी भाषा बोली जाती है। और भीली, नाम से ही है, भील जनजाति जहाँ पाई जाए कि तो धार, झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर, इन सब क्षेत्रों में भील जनजाति पाई जाती है, ये सब जानते हैं आप, तो भीली एक भाषा हो गई। तो टोटल इतनी सारी आपकी भाषाएं हैं प्रदेश में, तो बस जो प्रश्न बनता है यही कि मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती, ठीक है। तो बस ध्यान रखिए, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, निमाड़ी, मालवी, ब्रजभाषा, कोरकू, गोंडी और भीली, ये प्रमुख भाषाएँ जो मध्य प्रदेश में यूज की जाती हैं। बाकी बहुत सारी फोक लैंग्वेज हैं जो हर क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन उनका इतना नाम नहीं है। तो बस आपको ये जो आपको आठ ये भाषाएं दिखाई दे रही हैं, बस इन आठ भाषाओं को, आठ ही ना, तीन तीन छः दो आठ, तो आठ भाषाएं ये बोली जाती हैं, तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब मध्य प्रदेश की प्रमुख लोक चित्रकला, मतलब चित्रकला कौन कौन सी, कहाँ कहाँ, किस चीज़ के लिए फेमस है, तो उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो प्रदेश की लोक चित्रकला, तो सबसे पहले सुरैती, ठीक है, ये आप देखा सुरैती, बस आपको इसमें सुरैती लोक लोक चित्रकला है ये किस जगह की है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं आप में, ठीक है। तो सुरैती जो है बुंदेलखंड में दिवाली के समय बनाए जाने वाले भित्ति चित्र हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर रख सकते हैं मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखिए सुरैती लोक चित्रा किस क्षेत्र के, तो बुंदेलखंड, ठीक है। अब बुंदेलखंड आ गया तो वो शायद जिला भी दे दे, तो उसके हिसाब से आप अब आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बुंदेलखंड सुरैती। फिर मामूलिया, ये आपका बुंदेलखंड का ही एक चित्रकला है, लोक चित्रकला है, तो ये नवरात्रि के समय गोबर से बनाया जाने वाला एक भित्त चित्र है, ठीक है। तो मामूलिया भी बुंदेलखंड का है, ठीक है। फिर मांडला, ला नहीं, मांडना, ठीक है। तो मांडना जो मालवा के क्षेत्र में एक बनाया जाने वाला लोक चित्रकला है, जो कि दिवाली या जो भी फेस्टिवल होते हैं उसमें ये सब किया जाता है, ठीक है। तो आपको बस ये देखना मांडला कहाँ का है, मांडना मालवा का है। फिर कोहबर बघेलखंड का, तो कोहबर आपको बता दें, कोहबर जो होता है बघेलखंड जैसे रीवा, सतना, सीधी, तो यहाँ ये शादी के अवसर पर दीवार पे, भित्त पे बनाए जाने वाला एक चित्र है, ठीक है, ये ध्यान रखें शादी के अवसर पर। फिर साझा फूली संपूर्ण मध्य प्रदेश में बनाया जाता है लोक चित्रकला, ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये कुंवारी लड़कियों द्वारा बनाए जाने वाला भित्त चित्र है, तो साझा फूली संपूर्ण मध्य प्रदेश में, किसी एक क्षेत्र का ये नहीं है, ठीक है। फिर चित्रावण, चित्रावण भी आपका कहाँ का है, मालवा प्रदेश, मालवा क्षेत्र का पाया जाने वाला एक या बनाया जाने वाला एक भित्त चित्र है, ये भी विवाह के अवसर पर, मालवा चित्रावण जो है मालवा में है, वो भी कब, शादी अवसर या जो भी फेस्टिवल होते हैं उस पर बनाया जाने वाला चित्र है। फिर खोपड़ी पूजन, ये भी एक निवाड़ क्षेत्र में बनाया जाने वाला एक लोक चित्रकला है, ये भी भित्त चित्र है, खोपड़ी पूजन की जाती है, तो खोपड़ी पूजन के लिए दीवार पर खोपड़ी नुमा एक
आकृति बना जाती है और उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, तो इतने सारे जो जो मेन है जो आ चुके हैं या जिन पर प्रश्न बन सकते हैं, तो ये प्रमुख लोक चित्रकला है। तो प्रश्न ये बस आपके बनते हैं कि जैसे गोबर होगा, गोबर लोक चित्रकला किस क्षेत्र विशेष की प्रमुख विशेषता या लोक चित्रकला है। ठीक है, फिर सुरैती आपका आ गया, चित्रावण आ गया, खोपड़ी पूजन। तो जितना आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है इस चीज़ के लिए बस आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें तो डेफिनेटली आपको इतना ही सफिशियंट है, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य एवं उनका क्षेत्र। तो आपको पता होना चाहिए प्रदेश में बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, बहुत सारी जनजातियाँ यहाँ। तो डेफिनेटली जब जनजाति हैं तो बहुत सारे लोक नृत्य या लोक गान जो भी होंगे बहुत सारी होंगे। तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग अपने अपने लोक नृत्य हैं। तो आपको कैसे याद हो, आपको आपकी भाषा में कि आप उसे कितना अच्छा और कब तक अपने दिमाग में रख सकते हैं, उसके हिसाब से मैंने इस तरह बनाया है कि बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड आपको पता है कि छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़, आपका सागर कोश पार्ट, ये सब किसके अंतर्गत आता है, बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। तो बुंदेलखंड का कौन कौन सा आपका हो गया, तो इतने सारे आपको बता दिए मैंने डायरेक्ट एक लाइन में। तो आपको ऐसे याद रखना है कि बुंदेलखंड में कौन कौन से हैं, राई, बधाई, ढिमराई, सहरा, कानड़ा, अखाड़ा। सिंपल, तो ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, सिंपल सा मैंने आपको सिर्फ यही स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ, स्क्रीन पर दिखाया है कि कैसे याद रखना है आपको कि क्षेत्र विशेष में एक क्षेत्र विशेष लीजिए और वहाँ कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं, बस इतना आपको याद रखना है। तो राई, बढ़ाई, ढिमराई, सहरा, कानड़ा और अखाड़ा, ये सब कहाँ के हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में होने वाले लोक नृत्य। ठीक है, फिर आपका कौन सा आ गया, बघेलखंड। बघेलखंड मतलब सहडोल, सीधी, सतना, उमरिया, ये सब क्षेत्र जहाँ ये लोक नृत्य कौन तो कौन से आपके, बिरहा, केहरा, सुआ और कलसा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो बिरहा हो गया आपका, केहरा हो गया, सुआ और कलसा, ये कहाँ किस क्षेत्र का है, बघेलखंड क्षेत्र में होने वाले लोक नृत्य हैं। ठीक है, फिर मालवा की बात करें तो मालवा में मटकी, फूलपाती और फुंदी, ये तीन आप याद, क्योंकि जो मटकी है वो काफ़ी फेमस है मालवा क्षेत्र में। फूलपाती और फुंदी भी उतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन एक जनजाति के रूप में इसे क्षेत्र विशेष के रूप में भी जाना जाता है। तो इतना याद रखें कौन कौन से आपके, फूलपाती और फुंदी, ये हुए मालवा के। तो मालवा का मटकी, फूलपाती और फुंदी तीन लोक नृत्य हैं। तो बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा के ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इतने लोक नृत्य यहाँ से सफिशियंट है, इतना आप याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से, निमाड़ क्षेत्र के कौन कौन से, गड़गौर नृत्य, काठी, डंडा और फिफरिया, ये चार नृत्य आपके कौन से, निमाड़ क्षेत्र के, मतलब खंडवा, खरगोन, बड़वानी, इंदौर का कुछ पार्ट। तो इन सब क्षेत्रों में जो लोक नृत्य है वो प्रमुख गड़गौर नृत्य है, काठी, डंडा, फिफरिया, तो ये सब नृत्य यहाँ किए जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। फिर और चलिए आगे देखते हैं कौन सा, ग्वालियर अंचल में। तो ग्वालियर अंचल का आप सुने होंगे दुलदुल घोड़ी और लंगूरिया। दुलदुल घोड़ी आपने देखा होगा कि घोड़े का शेप होता है और घोड़े के शेप के बीच, घोड़ा का जो शेप होता है उसके बीच वाले हिस्से में जो सरस के बाद का नीचे हिस्सा, तो वहाँ पर एक होल सा होता है, उस होल में जो व्यक्ति है, जो मेल है, वो अपने आप को घोड़े के अंदर ऐसे इनकल लेता है और डांस करता रहता है घोड़े के माध्यम से, तो वो दुलदुल घोड़ी। ठीक है, और एक लंगूरिया भी है। तो ध्यान रखिए ग्वालियर अंचल में ये सब होने वाले आपके नृत्य हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। फिर प्रदेश के प्रमुख आदिवासी नृत्य एवं उनका क्षेत्र, मतलब आदिवासियों द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो कर्मा नृत्य, तो आप सबको पता है कर्मा नृत्य फेमस है। तो गोंड एवं बैगा द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है आपका, और ये मंडला और उसके आसपास क्षेत्र में। ठीक है, तो कर्मा नृत्य आपको सिर्फ याद रखना है, तो कर्मा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, किस आदिवासी जनजाति जो है वो करती है
जो भी वो नृत्य है, ठीक है। तो कर्मा नृत्य आपका बैगा एवं गोंड दोनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर आपका प्रधौनी नृत्य हुआ, तो प्रधौनी बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आप एक प्रधौनी बैगा जो आदिवासी होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, एक विवाह के अवसर पर किया जाने वाला आपका एक आदिवासी लोक नृत्य है। ये मंडला बालाघाट खंडवा क्षेत्र में मुख्यतः किया जाता है, ठीक है। अब इतना आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि जब अगर जनजाति पता चल गई और ये पूछ ले कि प्रधौनी नृत्य किस क्षेत्र विशेष में किया जाता है या किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, तो अगर आपको पता है कि प्रधौनी नृत्य बैगा करती है तो डेफिनेटली बैगा इन सब क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये सब क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ ये नृत्य होगा, ठीक है। फिर भगोरिया नृत्य काफ़ी फेमस है, बहुत सब जानते हैं, आप सब भील जनजाति द्वारा किया जाता है, झाबुआ एवं अलीराज वाले क्षेत्रों में किया जाता है, और होली के अवसर पर मुख्यतः ये होने वाला है। पूर्णमासी दिन जो होली होती है उस दिन भगोरिया जनजाति द्वारा भगोरिया नृत्य और भगोरिया हॉट यानी मेला लगता है भगोरिया जनजाति द्वारा लगाया जाता है। तो इतने सारे इसमें होगा कि भगोरिया नृत्य किसके द्वारा, भील जनजाति द्वारा, किस क्षेत्र में, झाबुआ एवं अलीराज क्षेत्र में जो पाए जाते हैं, कब, होली के अवसर में। कभी कभार इसमें ये पूछ लेता है क्योंकि भगोरिया नृत्य काफ़ी फेमस है, तो आप के प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि भगोरिया जो नृत्य होता है, भगोरिया हार्ट लगता है, वो कब, किस अवसर पर, तो होली के अवसर पर। ये आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं दिखाई बता रहा हूँ, स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं आप कि होली के अवसर पर ये नृत्य और ये जो हार्ट लगता है किया जाता है। और एक अब जो भगोरिया नृत्य में भगोरिया हार्ट लगता है, भीलों द्वारा लगाया जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है उस क्षेत्र में। तो जैसे झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, उज्जैन, इन सब क्षेत्रों में ये थोड़ा बहुत जनजाति पाई जाती है, तो जो मैक्सिमम है वो झाबुआ एवं अलीराजपुर क्षेत्र में पाई जाती है, या ये सब जो प्रोग्राम होते हैं भौरिया जनजाति के वहाँ किए जाते हैं। फिर हुलकी नृत्य, नृत्य हुलकी कौन कहाँ, मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखे, मंडला एवं पन्ना क्षेत्रों में। बस आपको इसमें याद है होलकी नृत्य किस जनजाति, आदिवासी जनजाति द्वारा किया जाता है, तो मुरिया जनजाति, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो इतना ये हो गया है, इनके ध्यान रखिएगा, जितना मैंने बताया उतना कर लीजिए, सफिशेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब बलमा नृत्य, अब बलमा नृत्य कौन करता है आपका, बलमा बैगा, बस बलमा बस बैगा, ऐसा याद रखें, सिंपल सा, ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ मैं, बस आपको याद हो ये मैं चाहता हूँ बस। तो बलमा नृत्य बैगा जनजाति द्वारा, ये मंडला बालाघाट क्षेत्र में जहाँ बैगा पाई जाएगी वहीं ये इन सब नृत्य होंगे, तो बैगा जनजाति द्वारा कौन सा, बलमा नृत्य। फिर अटारी नृत्य, ये भी बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है बघेलखंड क्षेत्र में, बस बघेलखंड क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, इस सफिशेंट यू। चलिए तो इतना याद रखिएगा, अब आगे देखते हैं। अब मध्य प्रदेश की जो प्रमुख लोक गायन शैलियाँ हैं उनके क्षेत्र, तो अब जो काफ़ी सारी हमारे जनजाति हैं, काफ़ी सारे क्षेत्र हैं, तो हर क्षेत्र की, हर आदिवासी जनजाति क्षेत्र की, जनजाति विशेष की अपनी अपनी अलग लोक गायन शैलियाँ हैं। तो सबसे पहले जो काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो कलगीतुर्रा पूछता है किस क्षेत्र विशेष की लोक गायन शैली है, तो निमाड़ क्षेत्र की, ठीक है। और कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि लोग जो कलगीतुर्रा क्या है, लोक गायन है, लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, तो आप ये भी याद रखें कि मैं लोक गायन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कलगीतुर्रा एक लोक गायन है, तो लोक गायन और फाग गायन कहाँ का है, निमाड़ क्षेत्र है, खंडवा, खड़गौन, बड़वानी जो क्षेत्र है यहाँ पर ये शैली उपयोग की जाती है लोक गायन की। फिर मालवा की, तो मालवा की संजा, भरथरी, हीड़ और लावनी, तो आपका जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वो भरथरी गायन है, इतने याद रखें आप। तो भरथरी गायन जो है मालवा क्षेत्र की लोक गायन शैली है, ठीक है। संजा गीत भी काफ़ी कुछ जाना, हीड़ गायन भी है, तो बस इसमें आपको याद रखना है कि भरथरी, हीड़ और संजा किस क्षेत्र की लोक शैली है, लोक गायन शैली है, मालवा क्षेत्र की, ठीक है। कलगीतुर्रा बहुत ज़्यादा फेमस है लोक गायन शैली कहाँ की, निमाड़ क्षेत्र की, ठीक है। फिर बघेलखंड की बात करते हैं, तो बघेलखंड में बिरहा, विदेशिया और बसदेवा, तो बिरहा, विदेशिया और बसदेवा ये तीन जो लोक गायन शैली हैं वो बघेलखंड क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो बघेलखंड की ये तीन आपको याद रखनी होगी, बिरहा, विदेशिया और बसदेवा, ये तीन कहाँ की, बघेलखंड की। चलिए अब आगे देखते हैं, बुंदेलखंड की देख लेते हैं।
बुंदेलखंड में कौन कौन सी? लोगांसली, आल्हागान, आप सब जानते हैं आल्हा उधर जो थे, तो उन पर अब ये वहाँ लोक गायन होते हैं, वहाँ के लोग ये सब चीज़ों का हर अपने जो शुभ अवसर होते हैं उन सब चीज़ों में इस लोक गायन शैली का प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं। तो बुंदेलखंड क्षेत्र की कौन सी? आल्हा, बाबुलिया और हरदौले की मनौती। हरदौले की मनौती ये जब एक वीर गाथा पर प्रेरित एक लोक गायन शैली है, तो बस इतना ध्यान रखिएगा हरदौले की मनौती, बाबुलिया और आल्हा गायन, इसमें हरदौले की मनौती आपकी और आल्हा गायन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो आल्हा गायन बुंदेलखंड, हरदौले की मनौती बुंदेलखंड, इन दो पर प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका लोक गायन शैलियाँ। अब बात करते हैं लोक नाट्य। सब जानते हैं नाटक जो नौटंकी होती है, तो अब फिर से बता रहा हूँ कि बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो बहुत सारे क्षेत्र में होने वाले नाटक अलग अलग क्षेत्र के हैं, तो अलग अलग ही होंगे। तो आपका बघेलखंड क्षेत्र के लोक नाटक कौन कौन से देख लेते हैं? तो फेमस है आपका नौटंकी, आपका छाहुर और मनसुखा। तो तीन चीज़ ये जो लोक नाट्य है कहाँ के? बघेलखंड क्षेत्र के। तो इन तीनों को बस आपको याद रखना है कि छाहुर कहाँ का है, मनसुखा और नौटंकी। ठीक है, फिर निमाड़ का बहुत ज़्यादा फेमस है गम्मत लोक नाट्य है, बहुत ज़्यादा फेमस है, आप सब जानते भी होंगे गम्मत के बारे में। ये तो बस आपको ये याद रखना है कि गम्मत लोक नाट्य किस क्षेत्र विशेष में होने वाला लोक नाट्य है। तो आपको पता होगा, बता दिया मैंने, निमाड़ांचल मतलब खंडवा, खरगोन, बड़वानी वाले जो क्षेत्र हैं इन सब में। फिर मालवा का माछ, आप सब जानते हैं मालवा का जो माछ है वो राजकीय नाट्य है, हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे स्वीकार किया गया है, इसे मध्य प्रदेश राज्य की नाट्य का दर्जा दिया गया है। तो माछ संपूर्ण मालवा क्षेत्र में होता है, ये वर्ष भर होने वाले लोक नाट्य है। गम्मत के बारे में आप थोड़ा बता दूँ, थोड़ा सा रिवर्स करूँगा, तो गम्मत के बारे में ये बताना चाहूँगा कि ये जो शुभ अवसर में होने वाले फेस्टिवल हैं, जैसे शुभ अवसर जैसे नवरात्रि हो गई, होली, गणगौर के पर्व, इन सब में होने वाला ये गम्मत लोक नाट्य है। कहाँ होता है? निमाड़ांचल में। तो दो चीज़ें आप अगर रख सकते हैं तो अच्छी बात है, बस इतना याद रख लीजिए, नहीं तो कि गम्मत लोक नाट्य कहाँ का है? निमाड़ांचल का। ठीक है, और मालवा का माछ हो ही गया, इतना भी याद रख दीजिए आप। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों इतने थे आपके लोक नाट्य जो फेमस हैं, वही मैंने आपको करवाए हैं, और इससे ज़्यादा आपको ना पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही देखने की। ठीक है, तो इतना मैंने आपको करवा दिया, इट्स सफिशिएंट, इतना कर लें तो ये मेरी गारंटी है कि इससे ज़्यादा या इससे कहीं और बुक या देखकर ये भी आ सकता है, तो आ तो कुछ भी सकता है, फिर वो चाहे हम हो चाहे कोई और, कोई भी इतना नहीं कर सकता। लेकिन जिस चीज़ को आदमी थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर करता है तो आदमी सोचता है कि हाँ यही चीज़ आने की संभावना या ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो प्रश्न आपसे आते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं आती, तो उसमें इलिमिनेशन वाला काम किया करिए। मतलब जैसे कोई प्रश्न है तो जो चार ऑप्शन हुए तो उसमें तो एक ही सही है, तो क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा टाइम तो लगता है, उसका आंसर निकालने में थोड़ा सिक्स सेंस अपना चलाना पड़ता है, तो रिमूव करते रहिए कि ये नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, इसको हटाइए। अब बचे तीन, तीन में ये तीन में इसको कभी मैंने सुना है, इसको हटा दो। अब बचे दो, दो में बस उसमें आपका सिक्स सेंस काम कर गया तो आपके 100 में से 85% सही होने के चांसेस होते हैं। तो एलिमिनेशन वाला काम किया करिए ऐसे प्रश्न में। ठीक है दोस्तों, तो साथ में यही कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में आप अपने हमें सजेशन दे सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, और हमारे फेसबुक पेज जसलन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, उसे फॉलो करें और हमारे साथ अपडेट रहें। और हमेशा की तरह फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ खुश रहें, जो चीज़ आप खुश होकर पा सकते हैं टेंशन लेकर कभी नहीं पा सकते। सो प्लीज़ बी हैप्पी, कीप स्माइल, कीप हैप्पी, बी हैप्पी, और साथ में करें कुछ ऐसा काम कि दुनिया करे आपको सलाम।